हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे बोलिए। कृष्णा गुड्डी गुड्डी गंडो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम हरे विनोद जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण तो आप सबका स्वागत है। हम सब अध्ययन कर रहे हैं स्कंद तीसरा अध्याय कथा और तीसरे श्लोक पे हम पहुंचे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी धनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञान की मिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण दृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यचारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सब छठे स्कंद तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में और यहाँ पे मैत्रेय मुनि विदुर जी को पूरा जो क्रिएशन है वो समझाते हुए जो विस्तृत रूप से सभी शक्तियां अंदर प्रवेश करके कैसे कैसे हैंडल करती हैं ये बताया और सभी इंद्रियों के जो शक्तियां हैं वो कैसे भगवान जनरेट करते हैं। अब जो है वर्णाश्रम आने वाला है ठीक है। आइए पढ़ते हैं तीसवां श्लोक। मुखतो अवर्तत ब्रह्मा पुरुषस्य गुरुत्वः यस्तु मुखत्वात् वर्णानां मुख्यो भूतब्राह्मणो गुरुः। O chief of the Kuru dynasty, the Vedic wisdom became manifested from the mouth of the Virat, the gigantic form. Those who are inclined to this Vedic knowledge are called Brahmanas, and they are the natural teachers and spiritual masters of all orders of society. He Kuru Vansh ke Pradhan Virat arthat Vishnu ke mukh se Vedic gyan prakat hua. Jo log is Vedic gyan ke prati unmukh hote hain, ve Brahman kehlate hain. और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तो यहाँ जैसे हम जानते हैं ना चौथे अध्याय के तेरहवें श्लोक में भी कहा गया चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शहा तस्य कर्तार अव्ययम् विद्या कर्तार अव्ययम्। कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम ये जो वर्ण है जो ये सारे जो वर्ण होंगे ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ऑर्डर्स होते हैं फिर चातुर्वर्ण फिर आ गया आपका क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये सारा जो है ये गुण और कर्म जो है भगवान कह रहे हैं कि गुण और कर्मों से डिफाइन होता है। यानी अगर आप जन्म लिए हैं अच्छे करके अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं लेकिन आपके गुण ब्राह्मण के नहीं है तो फिर आप ब्राह्मण कहलाना मुश्किल है क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य कर्म भी तो होता है उसके कनेक्टेड कनेक्टेड यजन याजन पठन पाठन सब कुछ दान परिग्रह ये सब ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। तो आप वो नहीं करिएगा तो नहीं करिएगा तो फिर आप ब्राह्मण नहीं रह रहिएगा। वो अलग चीज है कि आप बहुत ज्ञानी नहीं है लेकिन परंतु श्रद्धा है आपकी और आप वैसे कर रहे तो भी आप ब्राह्मण। क्षत्रिय का भी वही है आप क्षत्रिय कुल में पैदा हो रहे लेकिन आप न्याय नहीं देना चाहते आप बस भोगी व्यक्ति की तरह रह रहे स्लेव की तरह काम कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं तो फिर आप क्षत्रिय नहीं कहना सकते। और इसका मतलब ये नहीं है कोई भी व्यक्ति जो इस ज्ञान को ले ले और उसको समर्पित हो जाए तो ब्राह्मण कहलाएगा। कोई भी क्षत्रिय ऐसा कह ले वो क्षत्रिय कहलाएगा। तो उसी प्रकार हर गुण वर्ण और आश्रम का
गुण से देखा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि जो वैदिक ज्ञान है, ये चीज प्रॉपर वेदों का ज्ञान है, इस संसार को समझने के लिए या हम अपने आप को समझें, सच्चाई जाने, इसके लिए भगवान ने क्या किया, जो ये वेद, वेद यानी नॉलेज, अपने बारे में नॉलेज, ये सारा नॉलेज भगवान के मुख विराट के मुख से आया, जो विराट पुरुष हैं उनके मुख से बाहर आया। और इसलिए वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, वो मुख से आया इसलिए प्राप्त किया। तो वैसे ही हमें, हमको भी अगर प्रचार करना है, किसी को बताना है, तो मुख से बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया दूसरा लाइन, और जो इसमें कर रहे हैं वो ब्राह्मण हैं, और ये मुख जो है ब्राह्मणों का मुख भगवान के मुख से अलाइंड माना जाता है, क्योंकि वो ही काम करता है। और यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट कहा है प्रभुपति ने, अ रियल ब्राह्मण इज द नेचुरल टीचर ऑफ स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल मास्टर। ये देखो, ये जो गुरु की बात हो रही है, तो ये जो कभी बोलते हैं प्रभुपाद से डायरेक्ट ले लो, कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बोले ब्राह्मण बनो, आप खुद गुरु बनो। चेतन महाप्रभु बोलते हैं गुरु हो या तार है, आप तार हो। तो यहाँ कहा गया, अ रियल ब्राह्मण इज द नेचुरल टीचर और स्पिरिचुअल मास्टर। जो सच्चा ब्राह्मण है वो तो एक्चुअली एक सच्चा गुरु और एक नेचुरल टीचर है, वो जेन्युइन गुरु। अनलेस वन हैज वैदिक नॉलेज, वन कैन नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो जब तक आपको वैदिक ज्ञान नहीं है, तब गुरु नहीं बन सकते, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है। फिर वो प्रभुपाद जी कोट करते पद्म पुराण से, सत्कर्म निपुण विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु वैष्णव गुरु। एक अव्यक्तवादी जो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो ब्राह्मण बन सकता है, तो गुरु नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान को शरणागत नहीं है। और उसके अलावा जो भक्त है, वो भले ही बहुत क्वालिफाइड ना हो, लेकिन क्योंकि उसका भगवान से कनेक्शन है, तो वो गुरु बन सकता है। ये पे कहा गया है, कीब विप्र कीब न्यासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु हो। तो कह रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, की वो भी ब्राह्मण हो सकता है, की बन्यासी कोई सन्यासी हो सकता है, शूद्र के न आए, वो शूद्र भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो सेवा रहा है, परंतु यही कृष्ण तत्व वेत्ता, लेकिन अगर वो कृष्ण के बारे में जानता है, सही गुरु हो, तो व्यक्ति गुरु हो सकता है। यहाँ पे कहा गया, तो इस प्रकार ब्रह्मा भगवान के मुख से जो वेद आया, उस वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण भी प्रकट हुए। 21वां श्लोक, बाहुभ्यो आवर्त क्षत्र क्षत्रिय अनुव्रत यो जातस्त्रायते वर्णा पौरुष कंटक प्रता। देयर आफ्टर द पावर ऑफ प्रोटेक्शन वॉज जनरेटेड फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द जायजेटिक विराट फॉर्म। And in relation to such power, the Kshatriyas also came into existence by following the Kshatriya principle of protecting society from the disturbance of thieves and miscreants. यहाँ कहा गया, तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं में से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए, ठीक है। तो यहाँ है कि स्वाभाविक कुछ रखा है तो मानसिकता बनेगी कि उसको लूट लेंगे, क्योंकि हर चीज का एक बाउंड्री होता है, बाउंड्री यानी लिमिट्स यानी पाइवट पॉइंट कह सकते हैं। वैसे आज मैंने आपके लिए व्हाइट बोर्ड लाया है, मार्कर लाए, पता नहीं कुछ होगा क्या होगा, तो दीवार में लगाना होगा। तो पाइवट पॉइंट का मतलब ये है, चलो अभी मैं इस मोबाइल से समझाता हूँ, अभी मोबाइल है, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ आता हूँ तो देखिए ये बच गया, मेन पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ हाथ डालू और ये हटा दू तो गिर जाएगा। तो पाइवट पॉइंट का होता है बैलेंस, एक परफेक्ट बैलेंस करना। आपको जीने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जीने के लिए खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, वो एक पॉइंट है,
कि आपको चार रोटी कितना चावल थोड़ा सा चाहिए, लेकिन अगर आप उसे ज्यादा खाने लगेंगे तो ओवर ईटिंग के प्रॉब्लम बढ़ेंगे, आपको शुगर हो सकता है या ओबेसिटी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप उसे कम खाएंगे तो फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी होगा, पित्त होगा, सर में दर्द होगा, माइग्रेन आएगा। तो एक्चुअली शास्त्र में भगवान भी बोलते हैं कि युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख। युक्त होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो वैसे समाज में जो है सोसाइटी करते हैं, अर्थ बैलेंस करने का जो पावर है वो भगवान देते हैं। हालांकि सारा मेंटेनेंस का पावर भगवान स्वयं है, लेकिन वो देते हैं ताकि जीव एंगेज तो रहे। भाई भगवान का काम करोगे तो अपना शुद्ध हो जाओगे, भगवान अपना काम तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको क्यों दे रहे हैं? आपको दिए ताकि आप शुद्ध और पवित्र बने। ठीक है, कई बार लोग ऐसे डिस्क्रेडिट कर देते हैं, अरे तुमने क्या किया, सब तो भगवान ही कराते हैं। वो बात सही है, लेकिन उस व्यक्ति ने भी किया है। जैसे किसी माता पिता ने हमको संभाला, नहीं बोल सकते अरे आपने क्या किया, भगवान ने दिया तो हुआ। ये फिलॉसफी सही है, लेकिन ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि भगवान ने उनको यूज किया है और वो उन्होंने कर्तव्य को निभाया है, तो वो भगवान को और भगवान के नजदीक का रिलेशन हो गया। कोई साधु है तो प्रचार करता, तो वो प्रचार करे तो कभी लोग ये बोलते अरे आप क्या करोगे, तो भगवान करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो भगवान उसको क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो यूज होना चाहता है और वो भगवान के नजदीक जा रहा है। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना जैसा भगवान करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, हमें दिया है मौका करने के लिए। वैसे भगवान क्या करते हैं, ये बाहु क्षत्र जो है पावर है वो दे दिया है, तो उनमें से कुछ जीवों को क्षत्रिय पावर आता है। और क्यों ये पावर है, तो जो ही कोई जीव मतलब ना कोई नहीं है तो कुछ भी कर लो, किसी को मार दो, किसी को शोषण कर दो, किसी का धर्म लूट लो, तो ये क्षत्रिय जो है वो भगवान का पावर है, जिसको बैलेंस में रखते। अब उनको खत्म भी नहीं कर सकते, खत्म भी चीजें का अधिकार है और वो भी सुधरेंगे तब, आपका मार खाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली क्षत्रिय पावर का गलत यूज करोगे तो भगवान परशुराम बन गए थे, टेडिंग 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 टेडिंग। ठीक है, तो ऐसा जाके भगवान इस प्रकार से शक्तियों को खड़ा किया है। लॉर्ड विष्णु इज ऑलवेज मेंशन्ड एज पुरुष इन ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स, भगवान को पुरुष कहा जाता है। समटाइम्स द लिविंग एंटिटीज आर आल्सो मेंशन्ड एज पुरुषस ऑल्दो दे आर एसेंशियल पुरुष शक्ति, पराशक्ति और पराप्रकृति, द सुपीरियर एनर्जी ऑफ पुरुष। तो पुरुष माना जाता है व्यक्ति को, भगवान को, और जीव को भी पुरुष बना, लेकिन वो पराशक्ति है। ठीक है, लेकिन वो इस पुरुष के चक्कर में कभी गलत काम कर देता है। लेकिन भगवान द लॉर्ड हैज द पावर टू प्रोटेक्ट, ऑफ द थ्री डीटीज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, द फर्स्ट हैज द पावर टू क्रिएट, द सेकंड हैज पावर टू प्रोटेक्ट, एंड द थर्ड हैज पावर टू डिस्ट्रॉय। द वर्ड पुरुष इज सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स बिकॉज द क्षत्रियस आर एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पुरुष लॉर्ड in giving protection to the puja prajas or all those who are born on the land and water. So, ye protection hai, ye sab ke liye zaruri hai. And it is for the protection of men and animals, dono ke liye hai. Manushyo ke liye bhi aur praniyon ke liye bhi hai, raksha ka kaam. To un jeevo ko, jinne wo hai, unpe bhagwan ka seva samajh ke karna chahiye. Kai baar hum log kya bolte hain, are ye dekho ye aisa kaam kare, gunda hai. अरे कोई दाउना नहीं है, क्षत्रिय स्पिरिट है, वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा। हाँ, क्या मिला कोलकाता में, इतना रेपिटेस हो गया आपका, यहाँ पे इतना काम हो रहा है, क्या किया कुछ। वो क्षत्रियों का दायित्व है। ठीक है, और क्षत्रिय पगार अधीन नहीं होनी चाहिए, किसी के पगार पे काम नहीं करना चाहिए, बनिया के अंदर काम नहीं करना चाहिए। आजकल जो पुलिस है वो बॉडी वॉडी तो बना लिया, लेकिन वो क्या है, वो पगार पे काम करता है, तो उसके हाथ बंधे हुए, आप इसको नहीं मार सकते, आप इसको ये नहीं कर सकते। जो फिर ये लोग जानते हैं कि आपकी क्या लिमिटेशन है, तो और मजे लेते हैं। तो ये एक्चुअली सही तरीका नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट विच हैज नो क्षत्रिय, क्लियरली करे प्रभुपाद, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें क्षत्रिय है ही नहीं, वो सब पगार के कट्टू हैं, वो बॉडी वॉडी बना रहे हैं, अरे सिंघम सिंघम कुछ नहीं, उसको 2 मिनट ट्रांसफर ऑर्डर आ जाएगा, कोई सिग्नम भी कम नहीं।
विच हैज नो क्षत्रिय इज अ गवर्नमेंट ऑफ वैश्यस एंड शूद्रस। ये वैश्य और शूद्रों का सरकार है, ये कभी किसी का भला कर ही नहीं सकती। एंड नॉट ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय एज फॉर्मरली, पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय राज करते थे, उसे समाज व्यवस्थित रहता था, उनको उल्लू बना दिया, अरे ये ब्राह्मण ऐसे, ब्राह्मण को निंदा कर दिया, उनके घर जला दिए, उनको बेघर कर दिया, और क्षत्रियों को छत्ता छीन लिया, जमीन अपनी छीन लिया, और लॉज बना दिया, डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। अरे मुर्खो, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाई आपको जुटने के लिए। इनफैक्ट आज भी सोसाइटी, हम बोलते हैं अरे हम हिंदू कब जागे, हिंदुओं को जागने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय को हमें वापिस पावर देना पड़ेगा, ये लो और करो। हाँ, हालांकि जिन्होंने सिटीज में पैसा बना लिया वो सोचते नहीं नहीं ये सब क्या है, पर तुम वैसे भी क्या कर रहे हो भाई, वहां पे होटल्स बना के इसी सेक्स कर रहे हो, और क्या कर रहे हो तुम, उससे अच्छा इन ब्राह्मण और क्षत्रियों को पावर देना पड़ेगा, जिससे हम पुनः सनातन सिस्टम या वर्णाश्रम सिस्टम को एस्टेब्लिश कर सकते। अभी क्या है, बैंकिंग सिस्टम ने सब कुछ ग्रसित कर दिया, लेकिन उससे हटना पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर एंड हिज ग्रैंडसन महाराज परीक्षित वर टिपिकल क्षत्रिय किंग्स, फॉर दे गिव प्रोटेक्शन टू ऑल मेन एंड एनिमल्स। तो महाराज युधिष्ठिर महाराज परीक्षित की उपमा यहाँ दी जाती है, जो इतना आदमी और प्राणी और सबको मदद करते थे। व्हेन द पर्सोनिफिकेशन ऑफ कली अटेम्प्टेड टू किल अ काउ, महाराज परीक्षित एट वंस प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू किल द मिस्क्रिएंट। परीक्षित महाराज ने जब कली गाय को मारने के लिए निकला था, उसको जो क्षत्रिय है उसको राजा की भगवान की तरह सम्मान दिया था, क्योंकि वो सबकी रक्षा करता है। The problems of modern human society are due to lack of qualified brahmins and kshatriyas। वो कह रहे हैं आज जो समस्या है मॉडर्न सोसाइटी में, वो प्रॉपर ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होने के कारण, ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ वैश्यस एंड शूद्रस बाय सो कॉल्ड जनरल फ्रेंचाइज। ऐसे एक जनरल में हर जगह बनिया और ये शुद्ध ये लोग काम कर रहे हैं, सब जगह सब कंट्रोल कर रहे हैं, और इनको अकल है काम तो दे देंगे, इनके डिसीजन सब छोटे मोटे होंगे। आज ये समझो कोलकाता में, तो कोलकाता इंडस्ट को बाहर नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, बस भाषण मार रहे हैं, वो एक अमित शाह है वो बस भाषण मार रहे हैं, अरे करो ना कुछ नीचे जाके रोको पेलो, तुमने क्षत्रिय अपना पावर दिखाओ, ये नहीं कि बस वहाँ बैठ गए। वो क्यों, क्योंकि उनका मोर माइंड बिजनेस में, पैसा कैसा बनेगा, बीसीसीआई कैसे कंट्रोल करना है, फिर आईसीसी कैसे कंट्रोल करना है, फिर मैचेस में अपना पैसा कैसे बनाना है, वो भूल गए कि एक परिवार है, डॉक्टर है, उसको मर्डर हो गया है, वो तो देखेगा नहीं सब। एनीवेज जब ही टाइम खत्म हो गया। 32 विशो अवर्तन्त तस्यो 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 को लोकवृत्ति का करीर विभो वैश्य सर्वोद्भव वर्ता वार्तम वार्ताम नृणाम यह समवर्तया वर्तया। द मीट ऑफ लाइवलीहुड ऑफ ऑल पर्सन्स नेमली प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रजास वाज जनरेटेड फ्रॉम द थाइस ऑफ द लॉर्ड्स जाइजेंटिक फॉर्म। द मर्चेंटाइल मेन हु टेक चार्ज ऑफ सच एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड वैश्यस। तो जो व्यापारिक वर्ग है, यहाँ लिखा हुआ है, समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप के जांघों से उत्पन्न किया गया, फिर व्यापारी जन जो ऐसे कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति वैश्य कहलाएंगे जो धन धान्य को उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, कृषि को रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव है। वैश्यों का कर्तव्य कृषि गोरक्षा वाणिज्य ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या, आदमियों का ट्रेडिंग नहीं करता, प्राणियों का ट्रेडिंग नहीं करता, ट्रेडिंग करना है चावल दाल आटा ये सब जो है, ये सब ट्रेडिंग करना है अन्न, ताकि लोगों को मिले, जिसको जो नहीं और आपके पास होते हैं दूसरे को ले देखे और ट्रेड करें। ठीक है, और ये करेंगे बहुत आसान हो जाएगा।
इंडस्ट्री इज एन आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रभुपाद एकदम क्लियर कह रहे हैं, मैं चाहूँ तो इस विषय पे बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसके मैं इसके लिए मैं एक अलग अलग डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि विराट ग्रुप का बात चल रहा है, फिर मैं पाकिस्तान के शास्त्र पे जाऊंगा। लेकिन ये देखो ना, इंडस्ट्री इज एन आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो अब मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, आप हल्दी है, हल्दी कहाँ से आती है? आपके घर का बगीचा है ना, उसमें थोड़ा लगा दो, उतना हल्दी आ जाएगा, आप 10 लोगों के परिवार का खाना उतने हल्दी में लग रहे, ठीक है, उतना हल्दी आपको बस। अब प्रॉब्लम क्या है, आपका जमीन छीन लिया किसी सरकारी नाम पर, और अब जो है सेंट्रलाइज होगा, आप हल्दी करिए लेकिन हल्दी आप नहीं बेचिए, आप हल्दी को पैकेट करेंगे और हमारे सिस्टम में बेचिए। अगर हल्दी आप बेच भी तो हमारे सिस्टम को फॉलो करें, क्या सिस्टम, तो फूड कॉर्पोरेशन में जो वो टेस्टिंग है वो होता है कि आपका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है, जनाब बताएंगे ISI ट्रेडमार्क, मतलब आप बनाओ तो भी हमसे ट्रेड को हमारे सैंक्शन लो, और अगर आप हमारा हम ही ले रहे हैं तब तो बात ही अलग है। और अब सरकारों ने इतना कब्जा कर लिया है कि ये डिसाइड करते हैं कि खाना कौन खाएगा और कौन भूखा मरेगा, जबकि भगवान ने क्या किया, बारिश गिरा है सबके घर में गिरा है, सूर्य का प्रकाश दे सबको दिया, बीज उगेगा तो सबके घर में उगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं उगेगा, सब दे दिया। और हमने क्या किया, अच्छा भगवान ने सारा पानी नदी बहा दिया यहाँ से लेके समुन्द्र तक, इतनी बड़ी बड़ी नदियां, काम की नदियां कहाँ से चालू होती है समुन्द्र तक जाती है, बराबर। हमने क्या किया, ये इंडस्ट्री वालों ने पानी का डैम बना दिया, पानी का डैम बना दिया, अब वो पानी दिए लेंगे और ये बांटेंगे पानी आपको पाइप से, आइए और पाइप से पानी पिएंगे। कुआं खोदना भी उनका परमिशन लगेगा, लेकिन इन्होंने डैम बनाकर हमारा परमिशन लिया था, तो उन्होंने कागज पे लिख दी सरकार का आदेश है। आएगा वो दिन दूर नहीं है जब लोग खुद डैम तोड़ देंगे, डैम तोड़ के पानी को पब्लिक में जाने देंगे, और जब लोग खुद अपना अनाज उगाएंगे, खुद खाएंगे, और अध्ययन करने के लिए बच्चों को अपने अपने गुरुजनों के पास भेजा जाएगा, जिससे वो संस्कार कल्चर एक विद्या को पढ़ के अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है। एक्चुअली कोई जरूरत ही नहीं, ये एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री है, एजुकेशन अपने आप में एक इंडस्ट्री है। आपको पढ़ना है तो हमारे इसमें आइए और क्या कहते हैं उसको, इसमें पैसा भरिए, ज्ञान लीजिए, वो छोड़ो कल मैं अपने जो जो भी है छोड़िए नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो एक हमारी बॉडी है जो पढ़ाती है वो लोग घंटा घंटा का चार्ज करता है, और वो जो टीचर तो उनसे पढ़ा के उनके वीडियोस को कैपिटलाइज करता है कि आपको वीडियो देखना है तो 1000 रुपये देना पड़ेगा, 1200-1200 रुपये देना पड़ेगा, ऐसा करके रखा हुआ है। मुझे कल आश्चर्य होते मैं क्या आदमी जो तो पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी ने फ्री में पढ़ाया, भगवान ब्याज देने फ्री में पढ़ाया, परंपरा में बच्चा को नहीं, लोग कैपिटलाइज कर रहे हैं, ये लोग करोड़पति बनना चाहते हैं कि मैंने ज्ञान दिया मुझे करोड़ों दो और मैं ये काम करूंगा। ये हाल है, कैपिटलाइज हो चुका है, धंधा हो चुका है, इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री हो चुका है कि आप हमसे किताब खरीदिए, हमें से कपड़े खरीदिए, और आपके बच्चों को हम संस्कार तो पढ़ाएंगे नहीं, उनके कपड़े भी संस्कारहीन कर देंगे, ठीक है, उनको टाई पहना के दिखाएंगे कि तुम पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, वो फिर अपने बाप को जाके उल्टा बोल के आएगा, हाँ, फिर वो फादर से अलग हो जाएगा तो उसका कनेक्शन टूट जाएगा, हम पे डिपेंडेंट होगा, अरे घर से लड़के आएगा तब ना हमारा होगा, हमारे सिस्टम में गुलाम कब बनेगा। आप जितने भी लोग हैं, लड़का लड़की लोग को देखो, इन्हें ट्रेन किया गया है कि आप अपने गुरुजनों से टेढ़ा बोलो, आप अपने माता पिता से टेढ़ा बोलो, और ये लोग बोल देते हैं, इनको लगता है वी आर वेरी ओपन नॉट, यू नो मैं बहुत ब्रेव हूँ, अरे भाई एक एटिकेट होता है, एक मैनरिज्म होता है, वो बंदा आपको बात करना छोड़ देगा, माता पिता क्या करें, बोलना क्या कर सकते हो, बोलना छोड़ देंगे, नहीं समझ रहे, लास्ट में आप अपना जीवन झंडोबाम करके आओगे, पापा मम्मी आप सही थे, तो बूढ़े हो गए, तो आपको कुछ कर भी नहीं सकते तुम्हारे। ये जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने क्या क्या घर घर तोड़ दिए, विचारों से तोड़ दिए हैं, आर्थिक रूप से तोड़ दिए हैं, सामाजिक रूप से तोड़ दिए हैं,
अब तो कोई कीर्तन भजन करने जाता ही नहीं, आप तो सिर्फ रेडियो पर और बजता है मंदिरों में, सिर्फ वो मशीन वाले घंटी बजते टॉक टॉक टॉक, क्योंकि लोग बजाना नहीं चाहते, तो दिखाना चाहते कि हम धार्मिक है, होना नहीं चाहते। अब एंटरटेनमेंट भी इंडस्ट्री बन गया है, पहले एंटरटेनमेंट होता था कि चार पांच लोग कॉमेडी होते थे गाँव के, कुछ डांस ड्रामा करके दिखा के सब खुश हो जाते थे और उसमें कुछ वैदिक नॉलेज भी अंदर चले जाता था। अब क्या है, अब वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इतना तक कि हर चीज में एंटरटेनमेंट करते हैं, वो लोग कुछ भी सिखा रहे। अभी मैं एक अक्षय कुमार का एक मूवी आया है, नाम बोलिए मैं क्या नाम है बोलिए, उसमें दिखाया है कि अरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ओके है, 60 साल 70 साल में भी अभी नई शादी कर सकते हो, और आपका बेटा बेटी, जैसे आपका बेटा बेटी जो 18 साल की हो जाए तो उसको कुछ भी करने दो, हमें टोकना नहीं चाहिए। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी का क्यों ला रहे हो, मार दो अक्षय कुमार है ना, कान के नीचे मारो, कहीं मिलता है मेरे नाम से, नहीं मिल रहा तो मुझे बोलो भाई कलपट्टी बजाता हूँ। उसको लगता है दो देश प्रेमी वीडियो बना लिए तो तीसरे कुछ भी गति अंदर लाएगा, कान के नीचे बचाओ ऐसे एक्टर्स को, वो एक्टिंग कर रहे हैं, गे कल्चर है, अलाउड है, फिर आप समझो अरे कहाँ से आया, उसके ऊपर सोल्यूशन करने के बजाय तुम गंदगी को और फैलाने में लगे हो। पति जीवित है तो स्पर्म डोनर लाओ, किसी और से वीरे लेके पति बनाओ, ये इंडस्ट्री है, ये एंटरटेनमेंट नाम तो दे दिया इंडस्ट्री ने, लेकिन ये वही इंडस्ट्री का लॉबी है जो आपको तोड़ना चाहता है, वैचारिक रूप से कुछ और लाना चाहता है, अपनी विकृतियां लाना चाहता है, ताकि आप इसके ग्राहक बने रहे, मनोरूप बने रहे। आपको गलत बोल देना, गलत जगह पे खोजते रह जाओगे ना, खोजते रह जाओगे तो कंफ्यूज हो। अच्छा मुझे सबसे हंसी यह है, इससे पहले भी मैंने बोला वापिस बोलूंगा, सबसे बड़ा हंसी आप लोग जाके यूट्यूब पे या जहां भी मिलेगा खोजो, अभी जो रोहित शर्मा है वो जब वर्ल्ड कप जीता या T20 वर्ल्ड कप जीता साउथ अफ्रीका को हरा के, तो बहुत टफ मैच था, 30 ओवर में 30 रन चाहिए थे, और जसप्रीत बुमराह द हीरो तो मानना पड़ेगा, उसने जिस तरीके से अक्षर पटेल ने जिस बॉलिंग किया, सॉरी हर्षदीप इतना सुंदर खेला, पूरी टीम अच्छा खेला, टीम जीत गई लास्ट मोमेंट में, कैसे तो जीत गया, जीत गया तो वर्ल्ड कप उठाया, वेरी गुड रहता है कि वर्ल्ड कप उठाया। जब उसको वो जो एंकर है ना, उसे पूरा पूछ लिया कि आपको कैसा लग रहा है, तो रोहित बताइए वो जो एंड में देखना, वो एक ही स्टेटमेंट बोलता है जो एंकर है, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है, और लिखा भी रहता है इसलिए वो एंटरटेनमेंट चैनल्स में ही आते हैं, कुछ क्रिएट किया जाए। मैं 4.5 एकड़ में खेती करने जा रहा हूँ, इंडस्ट्री इज एन आर्टिफिशियल मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब ये लाइवलीहुड का भी इंडस्ट्री एक आर्टिफिशियल मेथड है, एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री स्पेशली इज द सोर्स ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, ये एक्चुअली हमारे प्रॉब्लम है। इन भगवद गीता ऑल्सो द ड्यूटीज ऑफ द वैश्यर हु आर एंगेज इन विशेष, तो ये इसलिए भगवदगीता के हिसाब से वैश्यों का कर्तव्य है, आपको कुछ नहीं करना है, आप तो सीधा नौकरी छोड़ देना है, सीधा किसी व्यक्ति से जमीन लेना है, खेती करके जना, बोलो कि प्रैक्टिकल नहीं तो रहो, मैं कह रहा हूँ ये रोज का 12-12, 14-14 घंटे भिखारी की तरह काम करने से अच्छा है कि आप ये 4 घंटे का काम करें, कम से कम पेड़ पौधों के पास रहेंगे, नदी नहर के पास रहेंगे, नेचर के साथ रहेंगे, माइंड तो सिंक में रहेगा, बॉडी तो सिंक में रहेगा। अब आपको एसी रूम चाहिए, आपको एसी हवा चाहिए, सब एसी चाहिए, आप नेचर से अलग जा रहे हो, इतनी जा रहे तो रिस्की है, इससे काउ प्रोटेक्शन, गो रक्षा, खेती, ट्रेड, ये सब होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट।
एक्सचेंज ऑफ प्रोड्यूस बाय बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज अ ब्रांच ऑफ दिस टाइप ऑफ डीलिंग। तो बैंकिंग होता है, लेकिन कैसे बैंकिंग होता है कि अगर आप आपने कुछ चीजें ट्रेड करनी है और ऊपर नीचे हो रहा है, तो सोने का सिक्के से वैल्यू होता था, और वो सोने का सिक्का जब राजा मोहर मार के देता था तो उसका मुनीम उसका हिसाब रखता। और सोने का सिक्का क्या है, आपको ऐसे मिले वैसे मिले वो वैल्यूएबल है, कागज का टुकड़ा और डिजिटल करेंसी तो वैल्यूएबल नहीं है, वो फिर फ्रॉड है। अभी भी हमारे यहाँ पे एक पहचान के प्रभु जी, वो बहुत ही कम पढ़े लिखे, मतलब प्रॉब्ली उनको उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, उनके मदर बर्तन बेचते थे, तो उन्होंने मम्मी का जब कड़ बड़ा किया तो उन्होंने इतना भी इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन इतने बड़े हैं, इतना पैसा है कि मतलब कहीं डोनेशन भी देते तो लाखों रुपए देते। इतना करने के बावजूद बात उसमें मेरा बात हो रहा था, तो अभी वो कुछ सोना खरीद रहे, बोले मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैं सोना खरीद के लाता, भाव इसका जब बढ़ेगा मैं देख लूंगा। वो आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने सोने में इन्वेस्ट कर दिया है, सोना आपके पास नहीं है। आप याद रखिए कितना बड़ा फ्रॉड है ये। अच्छा, जिसने इन्वेस्ट करवाया है उसका सोना दिखाया गया उसने कि मेरा इतना सोना ग्राम है, नहीं बता रहे हो, है ही नहीं, तो आप फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो एनीवेज ग्रो, वो डायग्राम बनाने जाऊंगा जब अर्थव्यवस्था बताऊंगा, छोड़ दीजिए इसको समझ के भी तो कुछ नहीं। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग होता था, लेकिन डायरेक्ट सोने से, सिल्वर से, डायरेक्ट वैल्यूएबल से। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रभुपाद के वैश्यों को बता रहे हैं, द वैश्यस आर डिवाइडेड इनटू मेनी सबसेक्शंस। वैश्य भी एक ही नहीं होते, जो ब्राह्मण भी एक प्रकार के नहीं होते, 16 संस्कार करने वाले 16 ब्राह्मण, वेद विद्या देने वाले, पठन करने वाले, पढ़ाने वाले, अप्लाई करने वाले, राजभवन में काम करने वाले, और बस अपना जीविका चलाने वाले, सब प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। वैसे ही क्षत्रिय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई राजा है तो कोई सेनापति, तो कोई लोअर लेवल पे, तो कोई गांव की रक्षा करता है, तो कोई गांव का मुखिया है, ये सब क्षत्रिय होते हैं। वैश्यों में भी डिवाइड है, सम ऑफ देम ऑल कॉल्ड क्षेत्री, क्षेत्री आप देखते ना कभी कभी क्षेत्री सर्वे आप सुनते हैं, तो क्षेत्री और लैंड ओनर्स, ठीक है, जो मालिक है, जमीन का मालिक है। सम ऑल कॉल्ड कृष्ण, कृष्ण मतलब वो कृष्ण का है, कृष्ण शपुरा है, कृष्ण कृष्ण कृ शपुरा और ण श आधा वर्ण हो जाएगा, कृष्ण भगवान रहते हैं। और लैंड डीलर्स, एक हो गया क्षेत्रीय जो जमीन का मालिक है, एक हो गया क्षेत्रीय, एक हो गया कृष्ण जो हो गया लैंड टीलर जो जमीन को खोदते हैं उपजाते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कॉल्ड तिलक वाणिक और ग्रेन रेजर्स, जो जो धान को पटोरते हैं, रखते हैं, उसको बांटते हैं लोगों में, उनको बोलते हैं तिलक वाणिक, तिलक वाणिक और ग्रेन रेजर्स। एंड सम आर कॉल्ड गंध वाणिक और मर्चेंट्स इन स्पाइसेस, कुछ लोग गंध वाणिक है, वो स्पाइसेस का बिजनेस करते हैं। And some are called स्वर्ण वाणिक, और कुछ लोग जो है वो स्वर्ण वाणिक है, यानी जो गोल्ड और बैंकिंग के डील करते हैं, यानी सोना और बैंकिंग सिस्टम कैलकुलेशन। अब लोन लेने के बाद आइडियली लोन तो पैसे देना चाहिए, लेकिन सर जो सामने वाला लूट सकता है आपको, तो उसको बहुत मिनिमम इंटरेस्ट में उससे लिया जाता है वापस। तो अब क्या हो गया, वो इंटरेस्ट ही इनकम बन गया, दैट इज द प्रॉब्लम। इंटरेस्ट को इनकम नहीं बनाना चाहिए, पानी नहीं बेचना चाहिए, औरतों को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन ये अब वो होने लगे। बोले हाँ, क्यों मैं देख बाप ने अपने बेटी को ही बेच, गरीबी क्या मतलब, ये गरीबी आया है कि उसने राजा चाहिए, राजा इस चीज को ध्यान रखेगा कि सबके पास उतना अर्थव्यवस्था है। अभी नया सिस्टम चल गया है, रात को आपका गाड़ी जा रहा है तो वो क्या करते हैं, बाइक लाते हैं, वो आगे आपके लगा देंगे और बोले तुमने मुझे धक्का मारा, हमारा पीठ चालू करेंगे पैसे लेने के लिए। विमर्शक भी होता है, मैं और परसों रात को आ रहे थे तो आ गए, तो उसने हम वापस चल रहे हैं, रात को 12:30 और वो हम किसी और एरिया में थे, उधर से आया हमारे सामने गाड़ी लगा दी बाइक, बाइक बोला क्या हुआ, मारना लड़ाई करने लगा था, हम लोग भी बोले फिर हल्ला हुआ, तो लोगों ने क्या है ये फालतू में लड़ रहे हैं,
समझ गए कि पिए हुए तो लोकल लोकल आप लोग इंटरव्यू कैसे करते हैं, अपने लेफ्ट में गाड़ी ले हमने बोल दिया तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब लोगों का पैसा नहीं है तो पैसे तो निकालो मारो कुछ तो देगा। और देखा वो बादल में लड़ाई झगड़ा तो क्या अंदर आके देखेंगे साधु है, पहले उसको अंदर में दिखा रहे अंधेरे में, लोग बाहर है तो दिखा रहे तो साधु लोग हैं, तो वो भी थोड़ा टेंशन में हो गया छोड़ो। हम बोले जो हम जैसे तो लुट रहा है तो सोचो ये नॉर्मल लोग है, मैं इसको बता दू की नॉर्मल जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कितना रिस्क है। तो रिस्क क्यों है क्योंकि आप भी उस रिस्क का पार्ट है, आप भी बैंकिंग सिस्टम लेके चल रहे हैं जहाँ इंटरेस्ट को इनकम बना दिया गया है, तो ये रिस्क है। तो ब्राह्मणस आर टीचर्स एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स, तो ब्राह्मण होते हैं ये शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, शिक्षक भी होते हैं गुरु भी होते हैं, पढ़ाते हैं आपको, अगर आप दीक्षा लेना चाहते तो आपको वो शिक्षक भी बना लेते हैं। तो ये नहीं होता कि गुरु वो होते हैं ऐसे ऐसे कुछ, वो होता है जो आपका जिम्मेदारी है और वो अपने वर्ण और आश्रम में स्थित है, वो स्थित नहीं है तो उसको स्थित होना चाहिए, बहुत सिंपल ठीक है। The Kshatriyas protect the citizens from hands of thieves and miscreants. और जो क्षत्रिय हैं ये प्रजा को ऐसे चोर चकों से भी बचाते हैं, और वैश्य जो है वो ये सब प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करते समाज में। तो सबको अपना अपना काम परफेक्ट करना चाहिए, क्षत्रियों को उतना ही धन लेना चाहिए प्रॉफिट जिससे वो अगला काम करे और लूटे ना। तो देखिए उसको समाज में बहुत इज्जत मिलेगा कि भाई लूट नहीं रहा है, बता अपना दुकान से लेता है थोड़ा पैसा लेता है बाकी रखता है, और जब फेस्टिवल आते हैं तो दान भी करता है, धार्मिक आदमी खत्म कहानी। अगर आप लूटने लगोगे तो फिर आपको बड़े बड़े बंगलों में रहना पड़ेगा चुपके, 1000 गार्ड्स को रख के, रात को नींद भी नहीं आएगी। आप देख लीजिए रतन टाटा इतना सुंदर व्यक्ति, किसी कोई दुश्मन नहीं, सब पांडे ने चैरिटी दिया, ये दिया वो दिया, आराम से गए, उनके लोगों ने इनको सैल्यूट किया। The Shudras, the unintelligent class of men who cannot act independently in any of the above mentioned activities, are meant for serving the three higher classes of their livelihood. The Shudra jo hai kyunki wo tino kaam nahi kar sakta, to in tino ke liye wo seva kar sakta hai, apni loyalty dikha sakta hai. Theek hai, to Kshatriya aur Vaishya jo the ye pehle Brahmano ko madad karte the unke matlab jo dhan lane rakhne ke liye. एंड और ब्राह्मण जो थे वो अपना समय खाना पीना मतलब कमाने में नहीं लगाते थे, वो लोगों को ध्यान देने में लगाते थे। और क्षत्रिय जो है वो टैक्स यानी जो टैक्स कलेक्ट करने में लगे रहते थे वैश्य और शूद्रों से, एंड ब्राह्मणों को ब्राह्मण और इनको टैक्स नहीं होता था क्योंकि उनका अपना जो है इनकम टैक्स और लैंड टैक्स। दैट सिस्टम ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वाज सो नाइस that there were no political, social and economical upheavals. तो ये सिस्टम इतना अच्छा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स है ही ना भाई, पॉलिटिक्स होता था कौन सा, तो वो मुखिया ने उसको ऐसा बोल दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्मशास्त्र में ये कहा उस सब से होता था, अभी सिस्टम ही गायब है। बैंक डिसाइड करेगा अगर आपका चेक बाउंस हो तो जेल हो जाएगा, आपने रेप कर दिया तो बच जाओगे, ये काय का रूल है भाई। तो जब मैं पांडव सेना बोलता हूँ पांडव सेना किसको मार के कुछ नहीं होने, मैं चार लोगों को मार ही दूंगा क्या होगा, अभी एक टेम्पल में कांड होएगी आप तो जानते हैं, मैं उसको मार भी दूंगा तो क्या है? दूसरा बंदा प्रेसिडेंट बैठे वही पे रहेगा, क्योंकि हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, उसको जरूरत से ज्यादा दे दिया, उसका दिमाग घूमेगा ही घूमेगा। छोटे बच्चे को आप जब चॉकलेट या टॉफी देते थोड़ा देते छोड़ देते हैं उसको, पूरा टॉफी का वही दे देगा दांत सड़ जाएगा उसका। द डिफरेंट कास्ट ऑफ वर्ल्ड एंड क्लैरिफिकेशन देयरफॉर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीसफुल ह्यूमन सोसाइटी, इसलिए सोसाइटी को शांति रखने के लिए बहुत जरूरत है। अब आता है शूद्र, मैं कर दूंगा लेकिन फिर क्या है 5 मिनट में रहो। पद्भ्याम भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जात पुरा शूद्रो यदवृत्तया वृत्त्या तुष्यते हरि। देयर आफ्टर सर्विस वाज मैनिफेस्टेड फ्रॉम द लेग्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड फॉर द सेक ऑफ परफेक्टिंग द रिलीजियस फंक्शन सिचुएटेड ऑन द लेग्स और द शूद्र टू सैटिस्फाई द लॉर्ड बाय सर्विस। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तब शूद्रों का कहा गया है शूद्र जो ऐसे वो नहीं निम्न नहीं है, शूद्र है जो वो नहीं कर सकता,
तो ये कर रहा है। आज भी आप देख लो कोई कंपनी है उसके नीचे चपरासी होता है, झाड़ू मारने वाला होता है, टेबल साफ करने वाला होता है, पानी भरने वाला होता है, ये सब बेसिक लाइन इलेक्ट्रिशियन। उनको उतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता जो आईटी शॉप चला था, वो ये कर लेते हैं, उनको पगार मिल जाता है और वो लोग भी नीचे नहीं आने वाले, तो इनको पगार दे के वो उतना ही उनको सेटिस्फाइड होता है। तो शूद्र क्या है, वर्किंग क्लास, दैट्स इट। तो ये वर्णाश्रम कल्चर में जो वर्किंग क्लास है उसको शूद्र बोलते हैं, दैट्स इट। तो भी ऊपर नीचे नहीं। यहाँ से आ गया है, इट इज एक्चुअली बेटर टू बी अ शूद्र देन टू बी अ ब्राह्मण एंड नॉट डेवलप द सर्विस एटीट्यूड, बिकॉज दैट एटीट्यूड अलोन सेटिस्फाइज द लॉर्ड। तो अगर आप ब्राह्मण है लेकिन आपने सेवा भाव भी नहीं, क्या फायदा उससे? अच्छा एक शूद्र बने रहना अच्छा, क्योंकि सर्विस सेवा भाव तो है, भगवान के लिए जाएंगे सही। अभी कल मुझे माता जी बता रहे थे, मंदिर एक माता जी को 17 साल से वो भजन कर रहे हैं, दीक्षा नहीं हुआ, और वो इतनी भोली है उसको पता ही नहीं कि मतलब दुनिया में क्या चल रहा है। वो उनका अपना बच्चा तो संभालते हैं, अपना नौकरी करते हैं, रोजी रोटी कमा के, और बचा हुआ पैसा वो भगवान को पूजा करने में और मंदिरों में, वो जो छोटे छोटे मतलब कितना पैसा कमाती हुई, वो डेली वेजेस पे जो काम करके वैसे करती है, लेकिन वो बहुत सिंपल है। बोल कितना हो गया तिलक लगाते हैं, कुछ भी हो जाए भगवान को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये आप बताओ, वो दिखने में वर्किंग क्लास है, लेकिन वो हम किसी भी ब्राह्मण से भी तेजस्वी, उसके चॉइसेस देखते, कृष्ण को पकड़ के रखती है। हाँ मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र की एक जगह में एक माता जी थी, तो एनीवेज हस्बैंड हस्बैंड नहीं थे, माता जी थी, ओल्ड थी, तभी वो 60 थी 70 की हो गए, 60 रुपए थी, और मतलब ऐसा था कि हमारे प्रोग्राम में आती थी। एक बार मुझे बुरी पे पूछा, हमारे यहाँ भी कीर्तन करेंगे, वो दामोदर का मंदिर तभी आएगा ना, 23 अक्टूबर से आएगा दामोदर का, दामोदर मीन, तो उसमें फिर मतलब कीर्तन होता है, कीर्तन होता है। तो बोले ठीक है हाँ करेंगे, मैंने बोला मैं आऊंगा ड्यूटी से, तो मैं मेरा एड्रेस ले लू, फादर मुझे 12 की ड्यूटी करने की, कुछ उनका घर है ना, वो घर नहीं है उनके पास, वो छोटा सा 3 शेड में रहती है, वो कहीं कोई जॉब करती है, उसमें उनको 60 रुपया दिन का मिलता है, उसी में वो अपना जीवन निकालती है। तो मैंने बोला अरे वो अलग चीज है, देखिए वो वैष्णव है, कुछ भी तो जब करते हैं हमारे प्रोग्राम में आते हैं रेगुलर, उससे हमको क्या लेना देना है, वो रिच है वाला कोई चल रहा है। तो गए तो ड्यूटीज आए मेरे साथ, 5-6 ड्यूटीज का फल होता, लेकिन मैं शाम को लौटा हूँ सब ले। उनका घर किधर था मालूम, जो एक्चुअली नाला होता है ना, नाला एक बड़ा जो से सब बहता है शहर का, उनको उधर जगह नहीं था, वो उधर फिर दूर उधर के लोग ठीक है रहने के काम करे, नाले पे पत्थर का बना के रोड, उस नाले के ऊपर जो पत्थर पड़ा था ना उसके ऊपर रह गए, और जो 3 पत्र होते ना नॉर्मल पत्र, आप लोग क्या कहते हैं उस चक्र पत्र, जो भी पतला रहता है जिससे शीट शीट टाइप लगा के लोग रह सकते हैं, तो वो वहाँ उतना उसने अपने पैसे से खरीद के बना के रहता है, वो उसमें भी उसने उधारी लिया था 5-6 हज़ार में, सोच मतलब वो लेके रह रही थी। और लेके यानी उनका घर देखा तो छोटा था, मतलब मैं ऐसा हाथ कर दूँ तो इधर से इधर थोड़ा और आगे कर दो खत्म, ऐसा हाथ कर दो दोनों हाथ से खत्म, और उनका ना मतलब इधर छोटा सा रैक था जिसपे उनका कपड़े थे, इधर एक छोटा सा अल्टर था, उसमें प्रभुपाद जी राधा कृष्ण और ये सब छोटा फोटो वोटो, अब फूल ला के उस पर चढ़ाती थी, तुलसी पत्र वहां रखती थी और एक चंदन भगवान के चरणों में लगा। और फिर हमने क्या किया, उसी वही जो वो था चैनल उसके ऊपर हमने और लकड़ियां बिछा के, मैं आने वाला था तो टिकोटी हम लोग थोड़ा लगा देते हैं, उसी के ऊपर बैठ के डिवोटी और पीछे साइड में जब वहाँ चेयर पे बैठ के वहाँ के लोकल लोग भी रहे थे, हमने दामोदर अष्टकम गाया अंदर में, मैं और मुर्दुन करतल वाले बैठ पे माता जी थी, बाकी सब बाहर थे, और हल्का सा हम लोग पाइप लेके गए कीर्तन किया, उस माता जी ने हलवा बनाया था सबके लिए, और हम सब ने हलवा भी लिया। लेकिन वो उसको मैंने बोला कि माता जी आप तो, बोले नहीं प्रभु जी मैं कृष्ण को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने पूछा भक्ति में कैसे है, बोले मैं समझ गई कि हम दुनिया में बहुत अच्छे भी रह लें बहुत बुरे भी रह लें कुछ नहीं होना है, कृष्ण के साथ रहेंगे तो हमारा अस्तित्व है, तो मैं भगवान को कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे इससे भी बुरा हाल में रखा तो भी मैं भगवान को पकड़ के रहूंगा। अभी एकदम चकित रह गया, तो ये होता है फिर ये जो प्रभुपाद का स्टेटमेंट है ना, इट इज एक्चुअली बेटर टू बी शूद्र देन टू बी ब्राह्मण। अब उससे तो उसी शहर में बहुत सारे ब्राह्मणों की गबड़ी, जो मांस मटन मदिरा चबा रहे हैं, उनको लगता है एडवांस कर ब्राह्मण है, सरनेम ब्राह्मण का हो गया, ब्राह्मण हो गए,
लेकिन ये माता जी देखो गरीब है, सिंपल है, वर्किंग क्लास है, वर्किंग में भी पुअर वर्किंग क्लास है, आगे पीछे कोई नहीं है। और वो मणिया मुहर लगाए थे ना कुछ, वो सब वो बना बना के 60 रुपए दिन का कमा दिए। और क्या हुआ, कृष्ण ने उसको 2 साल बाद, उधर कुछ पॉलिटिकल हो गया था कि बिल्डिंग्स बनेंगे लेकिन वो एरिया खाली करना था, तो उन्होंने बोला जितने यहाँ लोग रह रहे सबको एक फ्लैट दे देंगे लेकिन आप लोग ये एरिया इतना में आपका, तो उन्होंने को एग्री कर दिया था। पर ये माता जी का अपना तो थोड़ा ही अपना पत्र में रहे, इनको भी दे दिया, वो अच्छा नहीं था जो भी बिल्डिंग बना रहा था, तो बोला नहीं नहीं आपको भी दूंगा, किसको मना नहीं कर, इनको भी दे दिया, तो ये अभी फ्लैट में रह रहे हैं। कृष्ण ने इन्होंने भगवान को सिर्फ 100 ऑफर किया था, भगवान कितना क्या। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं ना, इट इज बेटर टू बी अ शूद्र, अ बेटर टू बी डिवोटी देन टू बी अ ब्राह्मण। अभी आप देख रहे कितने लोग फ्रॉड लोग एक्सपोज हो रहे हैं, जो दिखाने में अपने आप को बड़ा महान बोलते हैं और ऐसे घिनौने काम करते हैं, पूरे सोसाइटी को बदनाम कर रहे हैं, है ना। प्रभु तेरा क्लास चालू है तो कॉल करता हूँ, तू फिर पसंद होगा। यहाँ पे कहा गया तो यहाँ पे लिखा है, बिकॉज दैट एटीट्यूड अलोन सेटिस्फाइज द लॉर्ड। वो जो सर्विस एटीट्यूड है ना, वो जो सेवा भाव है, उसे भगवान खुश होते हैं। आपको कभी कभी क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहन लूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाए, नहीं, आपका सेवा भाव, आपका भगवान के प्रति जो सेवा भाव है, वो देख के भगवान खुश होते हैं। अरे देखो ये ग्रंथ वितरण कर रहा, देखो ये प्रसाद बांट के खिला रहा है, देखो ये कर रहा, देखो ये प्रचार कर रहा, देखो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। कल भी हमारे एक हैदराबाद भाग्यनगर के एक हमारे गॉड ब्रदर है, वो बोल रहे थे प्रभु हमें चलना चाहिए वैष्णव सेवा कर रहे हैं। बोले कहा, तो मेरे बहुत ही घनिष्ठ, वो मुझे मित्र से भी ज्यादा मानते हैं, मतलब उम्र में मुझसे 2-3 साल बड़े हैं, लेकिन पर मेरा जो रिलेशन है वो अच्छा है। तो वो बोलते हैं कि तुम मेरे दोस्त भी नहीं है, तुम मेरे डिवोटी फ्रेंड भी नहीं हो, तुम मेरे हार्ट हो। बोले इट इज लाइक यू आर माई हार्ट, ऐसा अपना बोलने में बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे डिवोटी है। बोले प्रभु हमको वैष्णव सेवा करना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में फंस के रहने को फायदा नहीं। बोले क्या करना है, तो वो बोल रहे थे हम तो हम लोग चले गए माघ मेला में, माघ मेला होता है ना प्रयाग में जहाँ साधु संत आते हैं, तो वहां चलेंगे और हम सब खिचड़ी बना के या कुछ प्रसाद बना के खिलाएंगे, मैं कहीं ना कहीं से स्पॉन्सर लाऊंगा। मैं बोला ठीक है, अब स्पॉन्सर लाओगे तो मैं और कुछ ड्यूटी मैं खुद ही कुकिंग कर दूंगा अगर मेरा बाकी लोग नहीं कर पाएंगे तो बोले ठीक है। पता नहीं हुआ है क्या क्लास में, पता नहीं प्रभु जी है आप, अगर वो क्लास में रहते तो तो ये यहाँ पे तो नहीं मिस ये है, कभी कभी आते हैं मेरे क्लास में, सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, ये जो कहा मैसेज कर दिया, तो सेवा भाव, सेवा भाव, हाँ सर्विस एटीट्यूड, तो ये जो सेवा भाव है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सेवा करने से आनंद आएगा, आप वहां बैठ के कि मैं सेवा करना चाहता हूँ उससे भी नहीं आएगा, मैं सर्विस सेवा करने के लिए क्वालिफाइड हूँ उससे भी नहीं आएगा, सेवा करना होगा, करने से आनंद आएगा, वो उत्साह बना रहेगा जब आप सेवा करेंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ऐसे हमने अभी ठीक है, ये आपको हो गया हमारा श्लोक नंबर 33, कल से 34 लेंगे। फिर प्रशांत प्रभु ने आप सबके लिए मैसेज भेजा है, आज से यानी रविवार को रखा, आई एम स्टार्टिंग अ लिपिक क्लास ऑन एंट्री करती और भक्ति फ्रॉम दुख साधु हृदय मह्यम, साधु साधु मेरा हृदय है ऐसा भगवान बोलते हैं उसके ऊपर, आई एम द हार्ट ऑफ यू। दिस बुक डिस्क्राइब्स कमेंट्रीज ऑफ आचार्य एंड भास्कर ऑफ दुर्वासा अम्बरीश महाराज, अम्बरीश और दुर्वासा के बीच की लीलाओं के बीच में तो भगवान कैसे अपने भक्तों को स्थान देते हैं उसके ऊपर है। द बुक इज एन डायलेक्ट फॉर्म टीचिंग कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड विष्णु एंड दुर्वासा, दुर्वासा और विष्णु के बीच में जो बात हुआ
उसके ऊपर है. एनीवन हु वांट्स टू जॉइन इज मोर वेलकम. संडे 2 to 4 PM इट विल बी कंप्लीट बुक टीचिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. अगर आपको आना है तो आ सकते हैं. तो आप में से जो जो आना चाहते हैं तो जो जो धीरू के लिंक में है मैं आपको मैसेज भेज दूंगा उसका लिंक पर आपको ज्वाइन करना है. 2 से 4 ज्वाइन कर सकते हैं. साधु रजोवियो साधु पता नहीं इसको बोलता हूँ आके अंदर बोल के जाएगा पूछता हूँ. साधु नाम हृदय मह्यम साधु मेरा हृदय भगवान मेरा भवन भक्त मेरा हृदय अरे धीरु मेरे लिंक में लॉग इन करके अनाउंस कर दो. वैसे तो मैंने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया है. चलो चलो लॉग इन करो लॉग इन करो लॉग इन करो. तब वेट कर रहे थे. बोलो बोलो मैं तब तक क्वेश्चन आंसर देगा. और आते ही चेहरा दिखा देना. मैं नहीं ढूंढना मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता. देख लो धीरु प्रशांत प्रभु आएंगे तो अनाउंस करेंगे. तब तक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं. हमने देखा कि भगवान विराट रूप से विराट पुरुष से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका जनरेशन हुआ. तो अगर कोई कहे शूद्र कम है तो वो मूर्ख है वो अपराधी है वो भगवान की शक्ति को नहीं समझे. इसलिए ये प्रकार का भेद करना गलत है. हाँ अपने में भेद करो आप ब्राह्मणों का आपको संत में रहना है. अगर कोई कबूगड़ी ऐसा कर रहे तो थोड़ा वो डिस्टेंस रखना और डिस्क्रिमिनेशन रखना दोनों में फर्क है. निग्लेक्ट करना तिरस्कार करना गलत है लेकिन उसके सेवा ओरिएंटेड उसको मेंटेन करना वो सेवा है. यस विनोद जी आपने बहुत पहले से हाथ ऊपर किया है कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. प्रभु जी वो वाले विनोद है वेब सीरीज में आते ना देख रहे हो ना विनोद. यस माधुरी माता सॉरी प्रभु जी गलती से हो गया. ओके सुकीला माफी नहीं. यस दिनेश जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था पर वो मेरे को चलाने भी नहीं आता इसलिए दब गया होगा प्रभु. ओके नो प्रॉब्लम दिनेश जी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. प्रभु जी जैसे बोला जाता है जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा तो हमारे एक बार टेंपल में एक प्रभु जी आए थे तो उन्होंने बताया कि 3 पे फोकस करने के लिए कहा है हमें. तो विग्रह सेवा का यहाँ पे हमारे बड़े आचार्यों ने ज्यादा फोकस नहीं किया है तो इसका क्या मीनिंग है. उन्होंने बोला ये 3 पे ज्यादा आपको फोकस करना है. प्रभु जी ने बोला कि जीवे दया नामे रुचि और वैष्णव यस इस पे हमें फोकस करना है. विग्रह विग्रह सेवा का इतना हमें नहीं बताया गया है आचार्यों ने. मेन निचोड़ हमें 3 चीज पे दिया गया है तो आपको ज्यादा इन पे फोकस करना है. अलग अलग एंगल से देखना होगा. सब एक ही है सब अलग भी है. अगर आप किसी को प्रीच कर रहे हैं जीव दया कर जैसे भगवान प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाके जीव दया वो भक्त बनाना था तो भक्त बनाना तो भगवान मंदिर में भगवान सेवा कैसे करेगा वो तो उसको भक्त भी बनाना उसको डिडिवोशन करना पड़ेगा. समझा ऐसा नहीं. और पहले 5 प्रोसेस में डिडिवोशन किया था होली नेम डिडिवोशन भागवत सेवा बहुत बड़ा. अगर आपका अपने हैं घर पे गृहस्थ है तो छोटा घर पे रह सकते. अगर आपका टेम्पल है तो टेम्पल पर रह सकते. अगर आपका कुछ नहीं तो पॉकेट में भगवान की फोटो रख सकते. यस दिनेश जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. अभी मेरी आवाज आ रही है थोड़ा नेटवर्क इश्यू से. बोलिए प्रभु जी. प्रभु वो आपने बॉन्ड व्यवस्था पे बहुत अच्छा क्लास हुआ है. मेरे को एक डाउट है प्रभु. मान लीजिए प्रभु आपको प्राइम मिनिस्टर अगर बना दिया जाए तो अंदर का तो व्यवस्था संभाला जा सकता है. अभी जो व्यवस्था चल रहा है बाहर की रेसों से कैसे सुरक्षा पाइएगा. अभी तो जवानों में कुछ हद तक ऐसा प्रेम है कि कुछ पैसों के लिए भी वो काम करते हैं.
नहीं देखिए, डेमोक्रेसी तो सोल्यूशन नहीं है, मोनार्की लाना होगा। मोनार्की आएगा तो अब मोनार्की आ रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है कोलैप्स हो रहा है, डॉलर का वैल्यू खत्म हो रहा है, रुपी भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि इंडिया में कुछ भी सिस्टम लाओ इंडियंस उसको चला ही नहीं सकते। लोग मोदी को हटा देंगे, लाएंगे मोदी जी, हटाएंगे उनको, दूसरा आदमी बैठेगा, रुपया यहाँ पे भारत में लोग अपना अपना ही चलाएंगे, फिर खत्म कहा। अपने आप मोनार्की आ जाएगा तब लोग लीडर्स खोजेंगे, लीडर्स में उनको डिवोटीज मिलेंगे, डिवोटीज आगे बढ़ाएंगे काम। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। यस, रुपीस को लेकर के जो जवानों में जोश है मैं देखता हूँ, पैसे के लिए ज्यादा जान देने से तैयार होते हैं, ऐसा कैसे मोटिव किया जाए कि वो अपने मॉरल वैल्यू के लिए जान दें? जब तक आप जमीन से नहीं जोड़ोगे अर्थव्यवस्था, गाय और जमीन से नहीं रखोगे, ज्ञान वेदों से नहीं रखोगे, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे कुछ काम करेंगे, दूसरा बचा के भी क्या करेंगे, क्या बचा नहीं बच्चों का, बचा के क्या ही कर लो। आज की तारीख में सब डिप्रेस्ड है, मतलब मेरे को तो आजकल फोन उठाने से डर लगता है, लोग चालू करके अपना दुख सुनाना हो, इतना लंबा दुख होता है, उसके बाद उसको कुछ समझाओ तो भी और दुखी हो जाते हैं। तो समाज इतना प्रॉब्लम है, लोग इतने डिप्रेस, अननेचुरल जी रहे ना, जो आपका एक्चुअल स्टेट ऑफ लाइफ है वो आप तो जी नहीं रहे हो, आप अननेचुरल जी रहे हो, आपका इकोनॉमी अननेचुरल है, आपका एक बैंकिंग सिस्टम में शिकार हो जाता है, लोन ले देता है, शिकार हो जाता है। अभी मेरे पे 7 लाख का कर्जा है, लेकिन लकीली वो बैंक का कर्जा है, मेरा जान खा जाता है। अभी लकीली वो कर्जा है कि भक्तों से इधर उधर से लिया, गुरु को चलाने के लिए, मेरे लिए नहीं लिया। ठीक है, भक्त लोग आशीर्वाद दे रहे कि ठीक है समय लो कुछ तो कर, लेकिन पॉइंट है कि यही बैंक वाले होते तो अब मेरा सारा तो आईफोन ये सब सब भी है, सब टेबल चेयर सब ले जाते। प्रभु जी, हम लोग प्रैक्टिकली एक्शन में इसको अप्लाई कभी कर पाएंगे जो सोच रहे हैं अभी? क्या जी, प्रैक्टिकली हम एक्शन में कब आएंगे इस तरह का विचार में जो हम लोग विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसके लिए? प्रभु बस थोड़ा सा एक्शन में आएंगे उसको तो खत्म क्लास खत्म हो जाएगा। ये सब करने के लिए जमीनी अभियान चाहिए और आगे टाइम आ गया, मैं तो उतर ही गया हूँ और कुछ चीजें जो तैयार कर रहा हूँ उतरने से पहले। एनीवेज उसको ये अभिनव जी, यस प्रभु जी, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, मतलब हम सही अभी ट्रैक पे हैं, इसके क्या चेक पॉइंट्स हो? सही ट्रैक पे हो तो आपको नेचुरल फील होगा, जॉली फील होगा, कॉमेडी नहीं, जॉली मींस आप हैप्पी, हैप्पी फील। जैसे मछली को पानी में डाल दो, बाहर निकालो तड़पता है, पानी में डाल दो खुश, उसके बाद उधर उधर तैर के अपनी दुनिया में चले जाएगा। तो आपको अपने नेचर के हिसाब से काम करेंगे तो दुनिया में खुश रहेंगे, और स्पिरिचुअल नेचर से काम करेंगे तो भगवान के आध्यात्मिक कनेक्शन में आप खुश रहेंगे। अब मीरा भाई को क्या कष्ट नहीं हुआ, अब बदनामी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो कुछ फर्क नहीं किया, तो अपना हरिनाम करके आगे चले गए, तुकाराम महाराज को हंसते रह गए, वो भजन लिख के चले गए, क्योंकि उनका आध्यात्मिक कनेक्शन हो गया था, भगवान से रिलेशन बना, बिजनेस हो गया था। वो नहीं जाएगा तो आदमी परेशान रहेगा। तो नेचर से अलाइंड और स्क्रिप्चर से अप्रूव्ड काम जब आप करोगे तो आप दोनों एंगल से खुश रहोगे। आप फार्मर हो तो फार्मिंग कर लो, आप फार्मिंग करके आप भगवान को अर्पण कर दो, जितना तुमको जो भी रख लो बाकी ट्रेड करके गरीबों में बांट दो, बहुत सिंपल। और क्योंकि आप सोल हो तो कृष्ण का कनेक्शन बना के रखो, अपने गांव में एक मंदिर बनाओ, छोटा सा ही मंदिर, डिपेंड है कितना आपके पास है, सिंपल मंदिर बनाओ, जो भी हो रहा है भगवान को पैर देखो। महाराष्ट्र में जाओ हर गांव में विठ्ठल रुक्मिणी जी का मंदिर है, हर जगह राधा कृष्ण सीताराम, तो ये लोग अपना अपना अर्पण चढ़ाते हैं देवताओं को, भगवान को, हर गांव में जरूरी है। तो अपना भी अपना, अगर आपका क्षत्रिय स्वभाव है तो आपको ये जस्टिस क्रिएट करना चाहिए, अगर आपका ब्राह्मण स्वभाव है तो आपको लोगों को ज्ञान बांटना चाहिए,
ठीक है।